क्या करूं क्या करूं, टिकटॉक बनाता हूं। काय मार रहे हैं भैया? कभी चलती हुई ट्रेन में टट्टी किए हो? अगर किए होगे तो पता होगा कि पिछवाड़ा कितना वाइब्रेट करता है। बेटा, अगर अगली बार से तुम्हें टिकटॉक बनाते हुए देख लिए ना, तो उसकी दुगनी रफ्तार से तुम्हारा पिछवाड़ा वाइब्रेट करवाएंगे, और जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा है या तुम्हारी। So, और क्या चल रहा है भाई लोग? क्या जो चल रहा हो तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। तो भैया, जब से कैरी का वीडियो डिलीट हुआ है, तब से टिकटॉक के आधे हकीकत आधे फसाने कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। तो आओ देखते हैं कि ये लोग क्या भसड़ मचा रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आए हाय 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 बेटे, अगर नहीं होता ना तो मत किया करो, सुथाल करो। पिछवाड़े में जो खुजली हो रही है ना, वो थोड़ा कम होगी। और बेटा, ये टिकटॉक के नाम पे ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि चाइना का माल चले तो 100 दिन, नहीं तो 2 दिन। और तुम ये 2 दिन वाले हो, 2 दिन बाद पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। कहो टिकटॉक जिंदाबाद, टिकटॉक जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि वर्ल्ड फेमस पान मसाले का अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। कपला पसंद, ये सिर्फ 5 रुपए का आता है, ये आपको अपने नजदीकी खोखे पे मिल सकता है। भाई साहब, एक तो इसका सनसनी जैसा मुंह है, ऊपर से जो लास्ट में हंसा है ना, आप मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई साहब, मैंने बचपन में सुना था कि दुनिया भर में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, लेकिन ये 8वां है। दुनिया भर में इससे किसी की शक्ल मिली ही नहीं। लास्ट में बड़ी मेहनत करने के बाद एक कद्दू से इसकी शक्ल मिली। उसके बाद कद्दू ने बोला, बेटे मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छू कद्दू थूक के चला गया, बताओ। तो भैया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब कम्युनिटी में टिकटॉक की इज्जत 0 है, और ये लोग बहुत बनते हीरो है। तो टेक्निकल गुरुजी ने टेक्निकल तरीके से इन लोग को रोस्ट किया है। आओ थोड़ा नजर डाल लेते हैं उस पे भी। बहुत सही किया, यही करना चाहिए इन लोग के साथ में। और भैया, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि टिकटॉक पे जाओ, और वहां पे जितनी भी फटी पुरानी स्कर्ट घूम रही है ना, उनको अनफॉलो करो, और अनफॉलो करने के साथ साथ ब्लॉक भी करो, ताकि दोबारा फटी पुरानी चीज देखने को ना मिले। और अगर और भड़ास निकालनी है ना, तो नीचे ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैंने एक ट्वीट किया है, उसको जाके रिट्वीट करो, वहां पे हैशटैग आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। डिलीट कर रहा हूँ, मेरे को टिकटॉक चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। तो भैया देखो, दुनिया में 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और दूसरे रिंग लाइट और फिल्टर वाले। ये लोग बोलने में बहुत तेज रहते हैं, और अगर इनको कोई जवाब दे दे तो इनकी फटके 64 हो जाती है, पिछवाड़े में आग लग जाती है जो बुझाए नहीं बुझती। तो भाई साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सुना नहीं जाता तो बोलते क्यों? क्यों आ जाते हो जंग के मैदान में जब लड़ने की औकात ही नहीं है? रिपोर्ट करने की कोई बात ही नहीं थी। सही बात तो ये है कि इनकी लड़ने की औकात ही नहीं थी। जिंदगी ने बहुत दिए धोखे, कोई बात नहीं बेटे, इट्स ओके। मैंने टिकटॉक पे सुना था कि जलो मत, बराबरी करो, लेकिन तुम जल ही लो, क्योंकि तुम्हारी बराबरी करने की औकात ही नहीं है, क्योंकि टैलेंट और तुम्हारा साथ ही नहीं है। तू फुकट दिखावा करता है छोटे, टिकटॉक पे तेरे को सलाम ही नहीं है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? आया क्या बुट्टे की शकल का? तो यार बस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद तो डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हाँ, मन में कुछ कमेंट तो लिख दो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना ओ दिन कभी ना आए।